कितने देर से आप? अभी आए। काटेगी अरे मछली, अबे काट दिया, अबे अरे साले मुझे क्यों डरा रहा है? अरे भाई इसका मुंह खुला हुआ है, आप देख सकते हैं सांस लेने की कोशिश कर रही है, और ऑलमोस्ट तो छोटी छोटी मछलियां यहाँ पे मिली हैं अभी, और भाई लोग लगे हुए हैं मेहनत करने में, पर कांटे से पकड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत पेशेंस का काम है, आपको घंटों आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये हम इसको पानी में छोड़ रहे हैं और इसने अपनी पूरी आप मेरे पीछे खूबसूरती देख सकते हैं, हम लोग वजीराबाद के इलाके में हैं, और जो लोग सोचते हैं कि यमुना एक गंदा नाला है उनका भ्रम तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं हमारे कैमरामैन के साथ। और आप इसकी खूबसूरती देखिए, जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी छाए हैं और आप धूप देख रहे होंगे कि धूप भी उस इलाके में धूप है यमुना के, और इस तरफ छाए हैं, और ये यमुना का पानी है। यहाँ 12 महीने के, आपको लग रहा होगा कि शायद बरसात है तो इसलिए पानी यहाँ पे ज़्यादा है, तब 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है, साफ पानी रहता है, और धूप आ गई, अब 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है। और ये वजीराबाद का इलाका है, आप इसकी खूबसूरती देखिए यमुना की। और जो लोग कहते हैं कि ये गंदा नाला है तो ये गंदा नाला नहीं है, आज से इसको गंदा नाला यमुना को कहना बंद कर दें। हाँ, वजीराबाद में आगे जाके आपको सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा होगा, अगर मैं कहूँ अपने कैमरा मैन को, वो सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा है, वो सिग्नेचर ब्रिज है, उसके आसपास एक डैम जैसा बना हुआ है, पानी को रोका जाता है वहाँ पर, और पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई किया जाता है, पर इस इलाके में यानी उससे पहले यहाँ पे पानी साफ रहता है और पानी रहता है 12 महीने। तो आपको कभी भी घूमने आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम लोग जगतपुर के घाट पर हैं, ऐसे 3-4 घाट यहाँ पे बने हुए हैं, राम घाट, जगतपुर का घाट, और आगे एक श्याम घाट है, और मेरे ख्याल से यहाँ से दिखता भी है वो, आगे श्याम घाट दिखेगा, वहाँ मंदिर है, और आज जन्माष्टमी है तो कृष्ण का वहाँ पे पूजा भी हो रही होगी आज, और भीड़ भाड़ भी होगी, तो वो घाट दिख रहा होगा, श्याम घाट। तो ये पूरा इलाका है, आप यहाँ आके शाम को बैठ सकते हैं, यहाँ अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, थोड़ा साफ सफाई थोड़ी कम है, तो उसके बावजूद भी बहुत अच्छा है, आपको शांति मिलती है, दिल्ली में आप देखिए, तो आप देख लीजिए पूरा इलाका देख लीजिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि भाई वो एक बार रोटेट करके पूरा 360 एंगल से इसका व्यू ले लें। अबे ये जो कांटे से पकड़ी जाती है ना, ये बहुत पेशेंस का काम है, आती थोड़ी ना है दोस्त। कितने देर से आप? अभी आए। पकड़ ली, कहाँ है? अच्छा, देख सकते हैं ये दोस्त इसमें, अच्छा ये मटके में, मटके में तो यार दिखेगी भी नहीं, चकली डालो पर भाई फलफला रही है, और अभी जिंदा है थोड़ी सी, इसका मुंह खुला हुआ है, आप देख सकते हैं सांस लेने की कोशिश कर रही है, और ऑलमोस्ट तो छोटी छोटी मछलियां यहाँ पे मिली हैं अभी, और भाई लोग लगे हुए हैं मेहनत करने में, पर कांटे से पकड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत पेशेंस का काम है, आपको घंटों आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये हम इसको पानी में छोड़ रहे हैं और इसने अपनी पूरी ताकत लगा के उछलने की कोशिश की ताकि निकल गए, हाँ। नया जीवन जी सके, इन लोगों जैसा जीवन बात कर है? नहीं, अभी मच्छी में है उसका जीवन। तो आप लोग के सामने हम हैं घाट पर, ये घाट का एक नज़ारा था हमने आपको दिखाया, हमारे दोस्त हैं और इधर हम आए थे, हम काफ़ी दिनों के बाद इधर आए थे, मैं तो पहली बार इधर आया था, ये लोग इधर आते रहे, मेरा आना जाना होता नहीं क्योंकि मैं इधर का वासी नहीं। हाँ, मतलब आपको अगर दिल्ली में थोड़ा गांव जैसी फीलिंग चाहिए, थोड़ा सुनसान इलाका चाहिए, थोड़ा शांत इलाका चाहिए, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और ये यमुना का घाट है, अलग अलग घाट बने हुए हैं, ये जगतपुर का घाट है, तो आपको बिल्कुल फील ऐसा आएगा कि आप गांव के इलाकों में हैं, और यहाँ पे मछली भी मार पकड़ते हुए लोग दिख जाएंगे आपको थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा मछली पकड़ रहा है, हाँ, छोटी मछली अभी हमने आपको दिखाई थी, हाँ, अच्छी तरह से उसने कैप्चर की हुई है, हाँ, कोशिश कर रहा, मेहनत काफी लगती मछली पकड़ने में, ऐसा नहीं है,
लोग सोचते कि आसानी से पकड़, हाँ, कि मतलब एक बार डाला और उसके बाद पक्के से मछली बाबा आ गई, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा मेहनत, मछलियाँ भी बहुत चालू हो चुकी है, वो हर बार चारा खा जाती है और बाई चांस 50-60 प्रयासों में से एक मछली होती है जिसने शायद पढ़ाई ना की हो, जिसने डिग्री ना ली हो, तो वो फंस जाती है। तो उनकी किताबों में सिखाया जाता है कि भाई चारा जब आए, कैसा कैसा चारा आता है, तो उसको नहीं खाना है। तो अगर जो फेल हो गई वो पढ़ाई में, वो फंस जाती है और फिर वो इस मटके में पहुंच जाती है। ये एक मजाक था, मतलब ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, हमने थोड़ा मजाक करने के लिए चीज बोली थी। और काफी लोग तो नहा भी रहे हैं, धो रहे हैं, अपना अपना नहाई रहे, हम सभी कर रहे हैं। बेहद आप देख सकते हैं पीछे, हाँ, अच्छा इलाका, थोड़ा शांत शांत है, घूमने घूमने आप लोग आ सकते हैं, अलग अलग घाटों पे बैठ सकते हैं, गाड़ियां ऐसे सब लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं नहीं है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है, काफी बेहद खूबसूरत, आप देख सकते हैं दिल्ली का फेमस सिग्नेचर ब्रिज, बिल्कुल आप ये सिग्नेचर ब्रिज का इलाका है, देख सकते हैं। उस तरफ इसके पार भी ऐसे ही सोनिया बिहार का इलाका है, अगर मैं वो दिख रहा हूँ, वो बिल्डिंगें दिख रही हैं, अगर वो दिखा पाए कैमरा, तो ये जो है सोनिया बिहार का इलाका है और ये हरियाणा से पानी आता है, बहुत बेहतरीन इलाका है, शांत इलाका है। तो दिल्ली में ऐसा आपको फील नहीं होगा, मतलब ऐसा आपको जगह मिलेगी, तो अगर कभी घूमना हो तो आप लोग वजीराबाद के इलाके में आ सकते हैं, किसी भी घाट पर आप जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ा समय बिता सकते हैं। खास बात यह है कि भीड़ भाड़ से बचे हुए हैं ये इलाके, थोड़ा गंदगी तो हो गई है क्योंकि यहाँ पे विसर्जन होता है और साफ सफाई का इलाका वो नहीं है, पर इसको अगर साफ सफाई कराई जाए, गंदगी भी नहीं कि आप बैठ, हाँ हाँ, मतलब डेवलप पड़े हुए ज्यादा, इसको खूबसूरत खूबसूरती से डेवलप, खूबसूरती से डेवलप किया जा सकता है। मूर्तियाँ हो गई, ऐसी चीजें अस्थि विसर्जन करने भी आते हैं? अस्थि विसर्जन तो नहीं है, पर घाट है तो लोग आते हैं यहाँ पे, बन भी रहा है, देखिए पीछे कुछ बन रहा है। अच्छा, वो घाट ही बन रहा है क्या जो आप पीछे दिखा रहे हैं हमको? हम एक बार दिखा देते हैं। हाँ, ये बन रहा है, ये घाट है हाथ चलाने के लिए, और ये घाट बेहतरीन जगह है, अच्छा है, शांत इलाका है, बाकी नदी का नजारा बेहद खूबसूरत है और लोगों के जो आस्थाएं हैं, जो नहा रहे हैं, उसमें जो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्रिएटिव, पानी आपको गंदा नजर जरूर आ रहा होगा लेकिन ये वैसा गंदा नहीं है जैसा आप कल्पना करें, क्योंकि ये जो गंदा पानी है ये बेसिकली बरसात का गंदा पानी है और मिट्टी बह के जिसकी वजह से गंदा हुआ है, राइट। और फ्यूचर में जैसे अभी नॉर्मल हो जाएगा, ये मौसम चला जाएगा तो ये पानी नॉर्मल हो जाता है, तो आपको यहाँ 12 महीने पानी मिलेगा दिल्ली में। और इसके बाद थोड़ा सा आगे 1.5 किलोमीटर आगे बांध बना रखा है पानी, बैराज बना रखा है, उसको रोकते हैं पानी को और वहाँ से दिल्ली को सप्लाई किया जाता है। उसके बाद यमुना नाले जैसी लगती है क्योंकि पानी है ही नहीं यमुना, तो अभी तो पानी है, तो यहाँ 12 महीने आपको पानी जा सकते हैं। बहुत अच्छा ब्लॉग आपने हमारे साथ बनाया और आशा करते हैं कि लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, हम इसको अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप आपत्ति तो नहीं है? चलिए ठीक है, हम इसको अपलोड करेंगे। और काफी सुहाना सफर आपके साथ रहा, इसी के साथ करते हैं, जय हिंद जय भारत। तो पानी यमुना दिख रही है और यमुना में अब भैंसे उतर गई है और देखिए जंगी, तो एक तरीके से इनका ये नहाना भी हो जाएगा और उसके तरफ खाना भी हो जाएगा। तो अभी इन भैंसों पे जो ये इनके ग्वाले या रखवाले हैं ये बैठ के बहुत जबरदस्त सीन आता है। तो आप ये देखिए भैंसे पानी में उतर चुकी हैं सारी की सारी और तैरते हुए अब जाएंगी, पानी देखिए कितना है, बीच में थोड़ा कम है पानी, बीच में कम मिलेगा अभी, पर हाँ पूरा एंजॉय कर रही है ना, बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इन भैंसों को आप देखो बिल्कुल सही समय पे ये गई ये भैंसों का क्या आनंदमय यहाँ जीवन हो रहा है, देखिए कितना इधर खूबसूरत सा एक लहर ये चली गई भैंसों की और कुछ भैंसे आप देख सकते हैं इधर जा रहे। तो दिल्ली में भी ऐसा फील हो रहा है, मैं गांव में आ गया हूँ, गांव का जैसा मुझे एहसास हो रहा है, वाकई में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी गांव है बेसिकली।